दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम व्रत के आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। तो ये दो आलू को हमने बारीक कट कर लिया है और पानी में डाल दिया है। दो टमाटर, दो हरी मिर्ची और थोड़े से ही हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, सेंधा नमक और ये जीरा। चलिए हम चलते हैं आलू की प्रोसेस में। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है इसमें। अगर आप चाहें तो घी से बना सकते हैं या फिर सरसों का तेल से बना सकते हैं, हम मूंगफली के तेल से बना रहे हैं। ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे मूंगफली। पहले हम इसको तल लेंगे मूंगफली को। देखिए मूंगफली हमारी तल चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। हरी मिर्च डालेंगे हमने बारीक हरी मिर्च काटी, आप अगर चाहे तो लंबे से भी कट कर सकते हैं। जीरा और आलू डाल देंगे। इन आलूओं को बढ़िया लाल कर लेंगे अच्छे से, थोड़ी थोड़ी से बहुत अच्छी लगती है। 9 दिन उपवास में इंसान मीठा खा खा के बोर हो जाता है, तो ये आलू बहुत झटपट बन जाती है। कभी भी जैसे हल्की फुल्की भूख लगी है, शाम को चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो बहुत जल्दी पट से बन जाती है। ये आलू बनाइए और खाइए और चाय पीजिए साथ में, मन भी अच्छा हो जाता है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। जो नमक खाते हैं, कोई कोई नमक नहीं खाते हैं, तो वो भी बिना नमक का भी इस तरीके से बना करके और खा सकते हैं। नमक ना डालें इसमें तो भी अच्छी लगती है। इससे पहले भी मैं एक आलू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मीठे आलू की रेसिपी है, वो भी आलू बहुत अच्छे लगते हैं बनाने में, तो आप मेरे चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कैसी बनी है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर, जो हमने कट करके रखे हैं टमाटर डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार, ये सेधा नमक है उपास वाला, और हम इसको अच्छे से चला देंगे। देखिए गैस को हमने मध्य कर दिया है और इसको थोड़ी देर हम पकने दें, थोड़ी देर भी इसे ढक करके रख देते हैं। ये देखिए अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे, गैस को धीमी कर दिए थे, अब गैस को थोड़ा सा तेज करके और इसको चला लेंगे। टमाटर भी गल चुके हैं, ये आलू भी अच्छे से पक चुकी है, और इसमें डाल देंगे मूंगफली, जो हमने तल के रखी थी मूंगफली वो डाल देंगे और इसे भी इसी में मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, उसमें खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए ये हमारे आलू व्रत के बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम चलिए चलते हैं इस प्लेटिंग की तरफ। ये चटपटे व्रत वाले आलू बनकर के तैयार है, इसे आप शाम के चाय के साथ खा सकते हैं या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी के साथ, सिंघाड़े के आटे के आलू बंडा के साथ या सिंघाड़े के आटे के पकौड़े के साथ आप खा सकते हैं। बनाने में ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।